कहते हैं, अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो किसी भी चीज को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर वो चाहे एक अफसर का बेटा हो या फिर एक लोहार का। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कन्नौज के लोहार के बेटे ने। पूरे यूपी में इंटरमीडिएट में चौथे स्थान प्राप्त कर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई अनिकेत शर्मा ने। इनके पढ़ाई के प्रति विचार भी बिल्कुल अलग है। ये आगे चल एक आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। अनिकेत शर्मा, मेरा 12th क्लास है और मुझे यूपी बोर्ड 2024 इंटरमीडिएट एग्जाम में 500 में से 486 नंबर प्राप्त हुए हैं और 97.2% है मेरा, और मुझे उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल हुआ है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं डेली पढ़ता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि एक दिन पढ़ लिया और फिर चार दिन गैप कर लिया, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं सभी बच्चों को यही सलाह देता हूं। और इसके लिए मैं डेली पढ़ता था और मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था और उसका मैं नियमित रूप से पालन करता था, उसी के अनुसार पढ़ाई करता था जी। मेरी पढ़ाई में जो भी समस्या आती थी उसका निराकरण मेरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किसी भी समय पर किया जाता था। और मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने मतलब ये नियम बनाया था कि किसी भी विद्यार्थी को यदि किसी भी समय कोई पढ़ाई में असुविधा आ रही है तो फिर उसका निराकरण व्हाट्सएप के माध्यम से कर दिया जाता था, और यदि विद्यार्थी स्कूल में ही है तो वह खाली पीरियड में आचार्य जी से सहयोग ले सकता था 6 घंटे। आगे चल के आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। बता देना चाहता हूँ कि सफलता संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करती है कि किस प्रकार आप कम संसाधनों का उपयोग करके भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हम लोगों को मिलते हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो इससे मुझे प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी लोहे का कार्य करते हैं। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिरुवगंज कन्नौज में पढ़ता हूँ और उत्तर प्रदेश में मेरा 5वां स्थान आया है। 586 मार्क्स आए हैं 600 में से। जो भी अभी मुकाम हासिल किया उसमें मेरे माता पिता और मेरे विद्यालय के जो भी शिक्षक गण हैं उन सभी का श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे दादी, माता पिता और मेरे दो भाई बहन जी हरियाणा में जॉब करते हैं। हरियाणा विद्यालय की फीस बहुत कम है और विद्यालय में हर प्रकार के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, जिसके अन्य किसी साधन की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, और विद्यालय हर प्रकार से पर्याप्त है हमारे लिए। प्रिपेयर ही करते थे और मतलब ऑनलाइन तो नहीं करते थे, जो विद्यालय से कार्य दिया जाता था वो गड़बड़ समय से पूरा करते थे, समय से रिवाइज करते थे, और इसी सब से यहाँ पर सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सिर्फ रिवीजन के टाइम पर यूट्यूब से थोड़ी सी सहायता ली थी बस। अगर आपके पास साधन है तो आप जा सकते हैं, परंतु जिनके पास साधन नहीं है तो उनके लिए यही पर्याप्त है, क्योंकि हमारे विद्यालय बहुत ही उच्च प्रकार की शिक्षा देता है कम पैसों में। नहीं, योग्यता के लिए पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास काबिलियत है तो आपके पैसे कोई महत्व नहीं है। मैं अनिल कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। जैसा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट निकला, हाई स्कूल में मेरे यहाँ कुल 231 बच्चे शामिल हुए और पूरे के पूरे 100% पास हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे दो बच्चों को छोड़कर सभी विद ऑनर्स पास हुए हैं। रिजल्ट 100% है लेकिन विद ऑनर्स दो बच्चे 229। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में भी 182 बच्चे आए, 100% रिजल्ट रहा और इंटरमीडिएट के सभी बच्चे विद ऑनर्स पास हुए हैं। हाई स्कूल की मेरिट में, उत्तर प्रदेश की मेरिट में हाई स्कूल में 9 बच्चे हमारे यहाँ आए और इंटरमीडिएट की मेरिट में जो वरीयता सूची बनी है उसमें 7 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं। हमारा विद्यालय 1995 से है, ये स्थापित हुआ है और बराबर पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च शिक्षा दी जाती है। और 2004 से यहाँ मेरिट आना शुरू हुई, एक आध मेरिट आती रही। 2020 में भी हम लोग टॉप 10 पे रहे, 21 में भी हमारी एक मेरिट आई, 22 में भी मेरिट आई और 23 में हमारे यहाँ क्या कहते हैं 10 बच्चे आए, हाई स्कूल में 9 और एक इंटरमीडिएट में। और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ 15 बच्चे मेरिट में आए। उसी में तो मेरे जब मैंने सुना तो मेरे आंसू आ गए। शिक्षकों का ही सबसे बड़ा श्रेय है, हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत किया और उन्होंने विद्यालय और बच्चों के लिए अपना समय और अपना जिससे कहते हैं तन मन से उन्होंने बच्चों के साथ प्रयास किया। आज वो बच्चे कामयाब हुए कि हमारे 100% बच्चे विद ऑनर्स पास हुए।